अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ मोहम्मद अहमद हाशमी, सॉफ्ट स्किल्स विद नईम हाशमी की तरफ से, और आप देख रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स पे हमारी मल्टीमीडिया टास्किंग कोर्स की सीरीज। तो आज है इस कोर्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो मैं आज अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूँगा। जी सो ग्रेटी, आप अपनी स्क्रीन शेयर जरा ऑफ कर दें ताकि मैं शेयर कर पाऊँ। जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कैप का टैब में आ जाएं। बल्कि आज कैप कट से नहीं, आज हम अपने काइन मास्टर ऐप में आएंगे। जैसे आप अपना काइन मास्टर ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ लोडिंग होगी और इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन इस तरह आ रहे होंगे, एक क्रिएट न्यू का है और एक गेट प्रोजेक्ट है। गेट प्रोजेक्ट को भी साइड में रखें, आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्क्रॉल करते हैं आपके साथ आपके सामने काफ़ी ज़्यादा वो ऑप्शन आ जाएंगे। तो इन ऑप्शंस को आप छोड़ दें, इन ऑप्शंस में से आपने किसी चीज़ को क्लिक नहीं करना। आपने सबसे ऊपर आ जाना है और बस सिंपल आपने अपना एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करना है। तो अगर आप मोबाइल में चाहते हैं कि सीधी वीडियो आए तो आप ये 9:16 का सिलेक्ट कर लें। ये ज़्यादातर मोबाइल्स के लिए यूज़ होता है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप 16:9 यूज़ करें। और मुख्तलिफ रेशोज हैं, आप अपने हिसाब से उनको देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो सही वाला रेशो होता है जिनमें ज़्यादातर वीडियोस बनती हैं और वो सूटेबल रहती हैं, वो होता है 16:9 का, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। तो आप इसी 16:9 वाले का सिलेक्ट करें। इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कर दें। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहे होंगे। आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इमेज एसेट्स का, दूसरा है वीडियो एसेट्स, फिर तीसरा है फेवरेट्स, उसके बाद एक ऐड आ गया उसको आप छोड़ें, और फिर नीचे आपकी गैलरी के सारे एल्बम्स आ जाते हैं। वो आप स्क्रॉल करके अपनी गैलरी से अगर कोई चीज़ डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। तो आप चले जाएँ इमेज एसेट्स में, तो आपके सामने कुछ कैप काइन मास्टर के इमेज एसेट्स आ रहे हैं। ये सारे इमेज एसेट्स आप ट्राई कर सकते हैं अपनी वीडियोज में। और फिर आप यहाँ वीडियो एसेट्स में चले गए तो असल में होता क्या है, आप इस वाले ऐप इस वाले पे क्लिक करेंगे। जब आपको फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ ना बैकग्राउंड, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है ना, माइक सा भी बना हुआ, उसके साथ एक शॉप बनी हुई है आप देख सकते हैं। ये होता है काइन मास्टर का एसेट स्टोर। आप इस पर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एसेट्स मिलेंगे, देख सकते हैं। न्यू पर क्लिक करें तो इस तरह स्नोई ट्रांजिशन, आपको स्नो फ्लेक्स ब्यूटी, इस तरह काफ़ी सारे आपको एसेट्स मिल रहे हैं। जैसे स्नो फ्लेक्स ब्यूटी को देख लेते हैं तो नीचे कुछ तस्वीरें भी हमें नज़र आ रही हैं कि किस तरह का होगा, और साथ इसका साइज़ भी नज़र आ रहा है कि ये 40.7 MB का है। और यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि दिस वीडियो एसेट वाज क्रिएटेड इन 16:9 एस्पेक्ट रेशो, यानी कि अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी वीडियो का रेशो जो होना चाहिए वो होना चाहिए 16:9 का, तभी आप इस एसेट को अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई और रेशो है तो ये एसेट वर्क नहीं करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको डाउनलोड कर लेते हैं आज मैं उनकी प्रैक्टिस के लिए। ये डाउनलोड होता रहेगा तब तक हम और काम करते हैं।
यहाँ पे अब आपने ब्लैक बैकग्राउंड नहीं चूज करना, आप चाहते हैं कि हमें दोबारा से वही ऑप्शन मिले, तो ऊपर सिंपल में देख सकते हैं आप मीडिया का ऑप्शन आ रहा है। इस मीडिया पे आप क्लिक करें और अभी इमेज ऐसा एक ले लेते हैं अपना कोई, तो इमेज ऐसे हम लेंगे, ये वाला मुझे कुछ सही लग रहा है, इसको ले लेते हैं और फिर बैक चल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो का जो बैकग्राउंड है ना वो हमारे पास आ चुका है। अब ये सिर्फ और सिर्फ 4:480 सेकंड का ये है, आप इसको ड्रैग करें आपको जितना भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं आप, ये तो 1 मिनट तक खींच लीजिए, ये हो गया 1 मिनट, ये तकरीबन तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको लंबा कर लिया। और अब हम सीखेंगे वीडियो में लॉन्ग टेक्स्ट एडिटिंग। पहले हमने यही काम कैपकट में करना सीखा था, अब हम इस काम को और भी अच्छे से और मुख्तलिफ इफेक्ट्स के साथ काइन मास्टर में सीखेंगे। तो काइन मास्टर में करने का कुछ तरीका यूँ है कि आप देख सकते हैं यहाँ लेयर का ऑप्शन आ रहा है मीडिया के नीचे, जहाँ हमने मीडिया पे क्लिक किया था उसके साथ एक लेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस लेयर पे आप क्लिक करें और आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप शो होगा। क्या आपको वो पॉपअप शो हो रहा है? तो इस पॉपअप में हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है मीडिया का, फिर उससे नीचे इफेक्ट्स का, फिर स्टिकर का, फिर टेक्स्ट का, और फिर हैंड राइटिंग का। तो अगर आपने टेक्स्ट एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करें और हम लिख लेते हैं आई एम अ वीडियो एडिटर, ठीक है मैंने ये लिखा है मैं वीडियो एडिटर, और उसके बाद एंटर किया तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो आ गया। ये देख सकते हैं हमारे ऊपर फ्रेम वीडियो की फ्रेम टाइमलाइन के नीचे हमारा टेक्स्ट का टाइमलाइन आ गया। तो आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट को लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कुछ स्केल्स मिल जाते हैं कि ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त मेरा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान में, ये देख सकते हैं ये इस वक्त मेरा टेक्स्ट बिल्कुल वीडियो के दरमियान में। तो अब जब आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको साथ से एक मेन्यू नज़र आ रहा है, ए लिखा हुआ है, उसके साथ एक सीजर बनी हुई है, उसके साथ व्हाइट कलर है। तो अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें और आपके सामने कलर्स आ जाएंगे। आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ कलर पैलेट से भी बना सकते हैं और RGB वैल्यू से भी आप अपना कलर बना सकते हैं, सारे ऑप्शन सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ से अपने कलर को कोई भी अच्छा सा कलर दे देते हैं, ये वाला देते हैं। उसके साथ हम क्या करेंगे, ये सिजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ना ये देख सकते हैं, अगर मैंने इसको इसका अगला हिस्सा ट्रिम करना है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे इससे अगला हिस्सा ट्रिम चाहिए तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर दें, अगर इससे पिछला हिस्सा ट्रिम चाहिए तो ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड चाहिए, लेफ्ट ऑफ प्ले हेड सेलेक्ट कर लें आप। अगर आप बिल्कुल 1 1 सेकेंड की मेजरमेंट रख रहे हैं तो आप बिल्कुल इस तरह ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी चीज़ को एंटर करके स्प्लिट करवाना चाहते हैं तो भी उसका यही ऑप्शन है, उसके नीचे देख सकते हैं स्प्लिट एट प्ले है का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसको स्प्लिट करवा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, तो उसके साथ AA AA जो लिखा हुआ है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे मिल गए हैं टेक्स्ट के स्टाइल्स, और अगर आप एंड्रॉयड के नीचे लैटिन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें तो आपको और भी काफ़ी सारे टेक्स्ट स्टाइल्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि अभी मैं ये वाला रीड्रेस्ट नाम का ये स्टाइल है इस पर क्लिक करूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये आया ना वीडियो एडिटर आ गया बिल्कुल ऐसे, तो वीडियो को सेंटर में करते हैं, ठीक है।
अब मैं इस टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि इन एनिमेशन का सबसे पहला ऑप्शन है। इन एनिमेशन पे क्लिक करके हम इसको फेड कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, राइट स्लाइड राइट कर सकते हैं, स्लाइड लेफ्ट कर सकते हैं, स्लाइड अप स्लाइड डाउन। असल में कैपकट जो है ये बना ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलेगा। तो ये दो ऐप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में इंस्टॉल कराई थी, कैपकट और काइन मास्टर। असल में इन दो ऐप्स का आपस में कनेक्शन है, इन दो ऐप्स का जोड़ा बनता है जब आप कोई वीडियो प्रोफेशनली एडिट करना चाहते हैं। तो ये दो ऐप्स जो है ये आपको मदद करती हैं इन द बिगिनिंग बहुत अच्छी वीडियोस एडिट करने की। तो कैपकट में थोड़े ज़्यादा ऑप्शन है एनिमेशन वगैरह के, तो ये देख सकते हैं आप ये वाला ऑप्शन। और तो और अगर आप इनका जो है एनिमेशन का साइज इनका यहाँ पे साइज एडजस्ट कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से आप। जैसे देखिए मैंने 2 पे रख दी, मेरा टेक्स्ट जो है अब थोड़ा स्लो हो गया, इसलिए ये 1 पे होगा तो इस तरह से नजर आएगा, इस तरह ज़्यादा सही लग रहा है। और इसको करते हैं डन। अब हम वीडियो को प्ले करेंगे, आप देखिए ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी वीडियो प्ले हुई। और हमने जो एसेट्स डाउनलोड किए थे अब उनको देख लेते हैं। ये जो ये वाला एसेट हमने डाउनलोड किया इसको रख के देखते हैं कि ये हमारा एसेट कैसा है। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है अगर हम इसको यूज करना चाहें अपनी वीडियोस में। तो एसेट डाउनलोड करके दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग सीख जाएं कि एसेट्स को भी हम वीडियोस में कैसे यूज करें, वो आप खुद देख सकते हैं। तो इसके आगे हम एक डालेंगे। आज का हमारा बेसिकली लेसन ये है कि हम अपनी एक कॉपी बना लें, डिजिटल सीवी। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया आई एम अ वीडियो एडिटर। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे दोबारा लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आई क्रिएट वेरी गुड वीडियो, ओके करेंगे, बड़ा करेंगे और टेक्स्ट स्टाइल चेंज करेंगे और कलर चेंज करेंगे, ये वाला कलर रख लेते हैं ठीक है। तो इसका अब हम कोई आउट एनिमेशन भी लगाएंगे, इसके हम आउट एनिमेशन रखते हैं ये वाली ठीक है। और इसी की इन एनिमेशन भी हम रखेंगे ये वाली। तो अब आप देख सकते हैं इस पे इन एनिमेशन भी अप्लाई होगी और आउट एनिमेशन भी अप्लाई होगी, देख सकते हैं ये इन भी हुआ और इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट आउट भी हो गया। उसके बाद आप सबने भी इस तरह अपनी एक सीवी सी बना के ये अपने होमवर्क में शेयर करनी है। उसके बाद दोबारा लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और कौन टैप फॉर लर्निंग मल्टीटास्किंग कोड ठीक है, ये मैंने लिखा, इसको बड़ा किया, इसको थोड़ा तेज कर दिया और बड़ा कर दिया ठीक है। इसके टेक्स्ट पे गया और ये वाला सिलेक्ट किया, डन किया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसके। और ऐसे अभी इसने मुझे फिर अलाइन कर दिया। तो अब इस पे हम ओवरऑल एनिमेशन का अप्लाई करेंगे, जैसे ये देख सकते हैं ये ओवरऑल जब तक रहेगा तब तक ये इस तरह ब्लिंक शो होगा, फ्लिकर है, फिर पल्स है, फिर जिटर है, फाउंटेन, जैसे देख सकते हैं काफी ज्यादा टेक्स्ट डुप्लीकेट होके फाउंटेन कितना हो रहा है, फिर ये रिंग है,
ये वाला लगा लेते हैं, फिर फ्लोटिंग का लगा लेते हैं। अब शुरू से वीडियो प्ले करके देखते हैं। जी आपने देखा, अब ये टेक्स्ट जो है वो हमारे काफी देर देर बाद आ रहे हैं। इनका जो है टाइम हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, फिर 2 सेकंड का ये हो गया, उसके बाद इसको ड्रैग करके हम पीछे ले आएंगे ऐसे, इसको भी छोटा कर देंगे, इसको ड्रैग करके हम पीछे ले जाएंगे, इसके पास को भी छोटा कर देंगे ऐसे। और अब हम इस पर कोई ऑडियो भी लगाएंगे, ऑडियो पे जाके SFX भी आप लगा सकते हैं और रिकॉर्ड खुद भी कर सकते हैं, और सॉन्ग जो आपके ऑडियो पड़े हुए हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो म्यूजिक में जाएंगे हम, तो यहाँ पे इसके SH स्टोर में काइनमास्टर के मैंने आपको बताया, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। तो SH स्टोर में जाने के बाद ये लोडिंग हो रही है, उसके बाद आपको यहाँ म्यूजिक मिलेंगे, जैसे ये देख सकते हैं। ये सबसे पहला म्यूजिक है जॉय टू द वर्ल्ड, इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये वाला म्यूजिक मुझे कुछ सही लग रहा है, इसको डाउनलोड करेंगे यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, ये 1.7 MB का था, ये इंस्टॉल हो गया। अब हम क्रॉस करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मेरा अब ये जो मेरा स्केल था ये यहाँ पर था, इसलिए जो म्यूजिक है ना यहाँ से आया। इसको आप ड्रैग करके शुरू में ले। तो अब आप देखें, ये देख सकते हैं आप कि मेरी वीडियो प्ले हुई और इसमें अब मेरा साउंड भी आ रहा है। तो ये था आज का एक लेक्चर, जो कि हमने ये सब कुछ करना सीखा काइनमास्टर में, और काइनमास्टर के कुछ ऑप्शंस देखिए टेक्स्ट को एंटर करवाने के। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह आपने अपना होमवर्क भी करके शेयर करना है। और मैं हूँ मोहम्मद अहमद हाशमी, सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से, जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।